हेलो एवरीवन। तो अब करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, क्लास 9th मैथ्स, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, आयरन के छोटे छोटे गोले हैं 27, जिनका रेडियस आर दे रखा है सभी का और सरफेस एरिया दे रखा है यहाँ पर एस। इन सभी जो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, इन सबको मेल्ट करके एक नया या दूसरा एक बड़ा स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया है एस डैस। तो हमें पता करना है जो रेडियस आर डैस ऑफ द न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर बनेगा मेल्ट करके, जो छोटे छोटे स्फीयर्स को सभी को मेल्ट करके एक जो बड़ा स्फीयर बनेगा उसका रेडियस पता करना है। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पता करना है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैस, यानी एस यानी सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, जो छोटे आयरन स्फीयर थे उसका सरफेस एरिया, एंड एस डैस यानी जो बड़ा स्फीयर बनेगा उसका सरफेस एरिया, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। तो चलिए पहले जो कंडीशन यहाँ जो दे रखी है ना कि 27 आयरन स्फीयर को मेल्ट किया, एक नया स्फीयर बनाया गया, तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन में ना वॉल्यूम इक्वल रहता है, ठीक है। मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ 27 जो सॉलिड स्फीयर है, 27 सॉलिड स्फीयर क्या होगा, वो इक्वल होगा इसके वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ये बिग स्फीयर है, ये जो स्फीयर बनेगा भाई 27 को मेल्ट किया, 27 स्फीयर को जब मेल्ट किया तो जो नया स्फीयर बनेगा ये बड़ा बनेगा, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर जो है 27, इनका वॉल्यूम क्या होता है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फिर यहाँ पर पुट करूंगा वैल्यू, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ ये होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला, ये हम यहाँ और यहाँ दोनों तरफ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, 27 इंटू 4/3 πr³। आर दे रखा है रेडियस, आर क्यूब, देखो आर क्यूब जो छोटे वाले जो स्फीयर है उनका रेडियस दे रखा है आर क्यूब, या इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर तो एक ही बन रहा है ना, तो 4/3 πr। अब जो नया स्फीयर जो बनेगा उसका रेडियस दे रखा है यहाँ पे आर डैश, तो यहाँ लिख देते हैं आर डैश। अब क्यूब है तो क्यूब इसका हो जाएगा, ठीक है, ये आर डैश है, ठीक है, इस रेडियस का सिर्फ ये क्यूब है। अब देखो इधर दोनों तरफ 4/3, इधर भी है, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्या बचता है, तो यहाँ देखिए 4/3 πr से 4/3 πr कट गया, क्या बचा, 27r³ = r³। तो हम यहाँ लिख देते हैं 27r³ = r³, ठीक है। अब r डैश क्यूब है ना, तो क्यूब को हम यहाँ से हटाने के लिए दूसरी तरफ क्यूब रूट लगा देंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, r³ = 27r³। कुछ नहीं किया हमने, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिख दिया और लेफ्ट वाले को राइट साइड में, ठीक है। r डैश वैल्यू निकालनी हमें, तो यहाँ से क्यूब हटा के दूसरी तरफ क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ रूट लगाते हैं स्क्वायर रूट, यहाँ क्यूब लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ क्या लगा देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। तो क्यूब रूट कितना, 27r³। अब देखो इसको बहुत आसानी से निकालेंगे कैसे, देखिए 27 हम इसके पेयर कर सकते हैं, पेयर यानी तीन तीन के, 3 × 3 × 3 3 3 = 9 9 3 27 27 को हमने ऐसे लिखा, और आर क्यूब, ये आर क्यूब है ही है, चाहो तो आप इसको तीन बार लिख भी सकते हो, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू आर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 3, ये तीन तीन बार है, देखो ये तीन बार है तो इसकी जगह हमने लिख दिया सिर्फ 3, और ये भी तीन बार है तो इसकी जगह भी हमने लिख दिया आर, ठीक है। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3r, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में जो पूछा था ना रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, तो पार्ट यहां से ये पार्ट फर्स्ट हो गया, कितना आ गया, तो आर डैश कितना आ गया, 3r, ठीक है। अब देखिए पार्ट सेकंड में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, ठीक है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है वो एक बार हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हमारा फॉर्मूला होता है क्या, 4 × π × r² का स्क्वायर, ये एक जनरल फॉर्मूला हमने ले लिया, जनरल फॉर्मूले में हमने आर ले लिया, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर रेशियो निकालना एस एंड एस डैश, एस क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, और एस डैश क्या है जो बड़ा स्फीयर बना उसका, तो यहां से मैं डायरेक्ट एस की वैल्यू निकालूं, एस यानी सरफेस एरिया, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 4πr²
अब क्योंकि जो छोटे जो स्फीयर है उनका रेडियस हमने आर ही लिया है क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या हो गया 4πr² और दूसरा एस डैस, एस डैस क्या है, एस डैस देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ना, एस डैस क्या है, एस डैस है देखिए जो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर को मेल्ट किया था तो जो बड़ा स्फीयर बनेगा उसका सरफेस एरिया यहाँ पर दिया एस डैस। तो एस डैस का सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर्मूला तो हमारा 4πr² रहेगा, लेकिन वहां पे आर क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। तो 4πr आर स्क्वायर दीजिए कर लेते हैं आर डैश और उसका स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें आर डैश की जगह जो हमने वैल्यू निकाली थी ना 3r वो यहाँ पुट कर देंगे। अब क्योंकि हमें रेशियो पूछा है ना क्वेश्चन में, देखिए रेशियो पूछा है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, तो रेशियो के निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एस और एस डैश का है तो एस अपॉन एस डैश यानी कि पूरा हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, चलिए आर डैश क्या है, आर डैश हमने निकाला था कितना 3r, तो यहाँ आर डैश की जगह लिख देते हैं 3r और इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे गलती मत करना, आर डैश का स्क्वायर है ना, आर डैश एक वैल्यू है कितनी 3r, उस 3r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आर स्क्वायर अपॉन जब इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 × 3 9 और आर स्क्वायर का आर का आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/9 और जब रेशियो पूछा है तो देखिए एस और एस डैश का एस डैश एस और एस डैश का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1:9, तो इनका रेशियो कितना आ गया एस एंड एस डैश का कितना आ गया 1:9, ठीक है ये रेशियो आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। देखिए यहाँ पर जो मेडिसिन का जो कैप्सूल है, दवाई का जो कैप्सूल है वो स्फीयर की शेप का दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा 3.5 mm। हमें यहाँ ये पता करना है कि हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी यानी mm क्यूब यानी मिलीमीटर क्यूब में, यानी कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम पता करना है इस कैप्सूल का, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो हम यहाँ एक बार लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³, ठीक है 4/3πr³ ये होता है स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। और यहाँ पर रेडियस तो हम निकाल सकते हैं, डायमीटर गिवन है तो देखो डायमीटर दे रखा है यहाँ कितना 3.5 mm, तो यहां से रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस इक्वल टू क्या आएगा 3.5/2, ठीक है और ये आएगा हमारा किसमें मिलीमीटर में, ठीक है फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो चलिए अब जो हमें पूछा है वो लिख देते हैं, ठीक है तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन है ठीक है नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, ठीक है कितना होगा लिख देते हैं 4/3π यानी कि 22/7 इंटू आर क्यूब यानी कि 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइड करके जो इक्वल टू पॉइंट में आया ना वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, डायरेक्ट सिर्फ आर की जगह 3.5/2 लिखा, क्योंकि ध्यान दीजिए कैलकुलेशन हमारी इससे आसान हो जाती है। कैसे हो जाएगी देखो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पहले तो 3 से देखें तो 3 से तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35 और बीच में हमारा पॉइंट आ रहा तो पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा तो कितना आएगा 7 × 0.5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 2 से देखो ये काट दो, 2 × 2 = 4, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है और इस 2 से ये 11 आ गया, ठीक है नीचे बचा 3, ऊपर क्या बचता है वो लिख देते हैं एक बार। देखो यहाँ बचा 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 5.5, 11 × 5 = 55 होता है और एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ पर भी हमने पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है इंटू 3.5 × 3.5 और अपॉन में ये बचा था हमारा क्या 3, ठीक है। अब हमें क्या करना, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 67.375, ठीक है और अपॉन में 3 और देखिए वॉल्यूम हम निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्यूब में और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर के क्यूब में आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है तो डिवाइड करेंगे तो ये देखिए आंसर आएगा, ये आएगा 22.48
5, 3, ठीक है, इस तरह से आता रहेगा। इसको आप अप्रोक्स लिख सकते हैं, देखिए कितना 22.48 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना ही छोड़ सकते हैं, 22.48 लिख सकते हैं मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इस तरह से चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।